हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सोया चंक्स की बहुत ही सिंपल तरीके की सब्जी बनाएंगे और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए भी आपको कोई भी ताकजाम नहीं करनी है और एकदम से 5 मिनट में बन के ये सब्जी है वो तैयार होगी। तो चलिए हम सोयाबीन की बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सोया चंक्स की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सोया चंक्स लेने हैं। मैंने 2 कप सोया चंक्स लिए हैं, तो इनको हमें सबसे पहले तो पानी में उबालना है। तो मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पानी में हम 1 चम्मच भर के इसमें नमक डाल देंगे, इससे जो सोया चंक्स है हमारे वो भी अच्छे से उबल जाएंगे और इसमें अच्छा खासा टेस्ट भी आ जाएगा और सोया चंक्स में जो थोड़ी सी वियर सी स्मेल आती है वो भी हमारी कम हो जाएगी इस तरह से उबालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच नमक इसमें डाल दिया है। अब हमने जो सोया चंक्स लिए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे और इनको हमें थोड़ा सा 1 मिनट तक पानी में ही उबलने देना है, तुरंत ही गैस को बंद नहीं करना है। सोया चंक्स को पानी में उबलते हुए 1 मिनट हो गया है, तो हम इनको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको 1 मिनट उबालना है लेकिन इनको गर्म पानी में पड़े नहीं रहने देना है, तुरंत ही गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे और इनको तुरंत ही निकाल देना है। अब हमने जो सोया चंक्स निकाले हैं उसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे, तो करीब ये डूब जाए उतना हमें ठंडा पानी इसमें डाल देना है और अच्छे से इनको ठंडा कर लेना है। इससे इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो कम हो जाएगी या फिर बंद ही हो जाएगी। तो इस तरह से करके हमें इसको अच्छे से मसलना है, यानी कि इस तरह का आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, बस वैसे ही थोड़ा सा इसको दबाते हुए इसके अंदर रहा है वो पानी हमें निकाल देना है और इनको हमें अच्छे से 2 हाथों से निचोड़ के निकाल लेना है। फिर देखिए, 2 हाथों की हेल्प से इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, इस तरह से हमें इनको निचोड़ लेंगे। मैंने अच्छे से सोया चंक्स को निचोड़ के तैयार कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को हमें इस तरह से घुमाते हुए डालना है। जो हमने कढ़ाई ली है उसमें सारा तेल है वो लग जाना चाहिए इस तरह से। अगर इस तरह से ना लग जाए तो आप इस तरह से चम्मच से इस तरह से करके कर दे थोड़ा सा, तो हमारे जो सोया चंक्स है वो कढ़ाई में लगेंगे नहीं और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, अच्छे से हम सोया चंक्स डाल देंगे और इनको इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए, इस तरह से अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। तो अगर आप तेल में इसको फ्राई करेंगे तो सब्ज़ी में तेल ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सोया चंक्स है वो तेल थोड़ा सा ज़्यादा पी जाते हैं। तो हम कम तेल में इस सब्ज़ी को बनाने वाले हैं आज। तो देखिए, इस तरह से हम अच्छे से इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने कई तरीके से सोया चंक्स की सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई किया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से सब्ज़ी बना के ज़रूर से ट्राई करना। आपको ये जो सब्ज़ी है वो बहुत ही पसंद आएगी। और आपके घर में कोई ऐसा है अगर कि ये सब्ज़ी नहीं खाता है, अगर आप इस तरीके से बना के उसको खिलाएंगे तो वो ज़रूर ही खाना पसंद करेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, इस तरह से करेंगे तो सोया चंक्स में रही हुई थोड़ी सी स्मेल है वो भी चली जाएगी, थोड़े से हमारे सोया चंक्स है वो भी अच्छा खासे पक जाएंगे, इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इससे ये जो सब्ज़ी है वो बहुत ही प्यारी बनेगी, यानी कि बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। तो हमने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, अब हम इनको निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 2 चम्मच तेल लिया था, बिल्कुल भी तेल नहीं है, क्योंकि सोया चंक्स है वो सारा तेल है वो पी गए हैं। तो इसमें कम तेल में ही हम इसको बनाने वाले हैं इस तरीके से। तो फ्राई किए हुए जो सोया चंक्स है उसमें हम थोड़े से मसाले करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ही हम गरम मसाला और थोड़ा सा हम धनिया जीरा पाउडर भी डाल देंगे, यानी कि हमारे जो घर के मसाले होते हैं बेसिक वही डालने हैं हमें। और थोड़ा सा हम नमक भी डाल देंगे, अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और हमें इसको मसालों में लोटपोट कर लेना है इस तरह से। अब हम सोया चंक्स में तड़का लगाएंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया है, तो तेल मैंने उसी कढ़ाई में ले लिया है और 2 मैंने सूखी लाल मिर्च डाल दी है, 1/2 चम्मच ही हम मेथी दाने डालेंगे, 1/2 चम्मच ही राई डालेंगे और 1/2 चम्मच ही हम इसमें जीरा डालेंगे, 2 मैंने हरी मिर्च डाल दी है इस तरह से काट के इसको, थोड़े से कड़ी पत्ता लिए हैं सूखे वाले, अगर आपके पास ताज़े हो तो ले सकते हैं। अच्छे से हम इसका तड़का लगा लेंगे। फिर उसके बाद 1 प्याज को मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट के ले लिया है, आप चाहे तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं। प्याज को तड़के में मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे और इसमें 2 चम्मच हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे। तो आपको अगर तीखा कम पसंद है तो आप 1 चम्मच पेस्ट भी ले सकते हैं। अच्छे से हम इसको तड़के के साथ मिला लेंगे और इसको पकाएंगे। सारी चीज़ों को हमें 1 मिनट तक पकाना है। देखिए, अच्छे से हम 1 मिनट तक इसको पका लेंगे। फिर उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे, तो टमाटर को भी मैंने अच्छे से काट के डाल दिया है। तो जितना मैंने प्याज लिया है उतना ही मैंने टमाटर लिया है।
प्याज और टमाटर को हम अच्छे से पकाएंगे। जब तक ये अच्छे से पक के सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। और ये जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से और जल्दी जल्दी पक जाए उसके लिए हम इसमें नमक डाल देंगे, और नमक डाल के भी हम इसको 1 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। और ये जो सब्ज़ी है वो अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसमें मसाले करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे। और नमक हमने पहले से ही डाला हुआ है तो आपको अगर ज़रूरत लगे तो ही आप डालें। मसाले डाल के हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हम ये मसाले हैं वो जल ना जाए उसके लिए 1 कप के बराबर हम इसे पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने जो सोया चंक्स को रेडी किया था वो सोया चंक्स हम इसमें डाल देंगे। और सोया चंक्स डालने के बाद हम इसमें ज़्यादा पानी अभी के लिए नहीं डालना है, इनको हमें ऐसे ही पकाना है 1-2 मिनट के लिए, जिससे हमने जो मसाले लिए हैं वो सोया चंक्स में अच्छे से लग जाए और जो हमारे सोया चंक्स है वो अच्छे से सारे मसाले पी लें। फिर उसके बाद ही हम उसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके 1.5 ग्लास जितना पानी डाल दिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो अब हमें इसको ढकना नहीं है, बिल्कुल भी खुले में ही इसको पका लेना है। तो अच्छे से इसको पकने देना है और इसमें जो ग्रेवी है वो भी हमारी अच्छी खासी थिक हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तो फ्रेंड्स जब हम इस सब्ज़ी को इस तरीके से बनाएंगे, इसमें हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, मीडियम ग्रेवी में ही हम इसको बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो पानी पानी हो जाएगी ग्रेवी और अच्छा खासा इसमें टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो एक बार मेरे तरीके से इस सोयाबीन की सब्ज़ी को ज़रूर से बना के ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये टेस्टी तो बहुत ही लगती है। तो ज़रूर से बना के ट्राई करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये सिंपल सी और टेस्टी रेसिपी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी ही आसान सी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।